हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज मैं आपके सामने कुछ ऐसी किचन टिप्स लेके आई हूँ जिससे आपका काम फटाफट भी होने वाला है और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, आसानी से हो जाएगा। तो नंबर वन, मैं रात में सारे कंटेनर्स जितने भी खाली होते हैं, चाहे स्पाइस बॉक्स के कंटेनर हो या फिर डिटर्जेंट पाउडर के कंटेनर हो या टी शुगर कॉफ़ी, तो मैं उसमें रात में ही सब कुछ भर के रख देती हूँ, सुबह के लिए नहीं छोड़ती हूँ। क्योंकि सुबह नेक्स्ट डे आपको वो सब सामान आपको फिल मिलेगा तो आप प्रिपेयर रहेंगे फटाफट काम करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने डिटर्जेंट पाउडर अपने कंटेनर में डाल लिया है। ये टिप्स आप भी फॉलो करेंगे तो आप भी फटाफट काम कम टाइम में कर सकेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पर मैंने 3 डिब्बे अमेजोन से मंगवाए थे, वो कंटेनर थे टी कॉफ़ी एंड शुगर की। और ये कंटेनर मेरा 1 साल होने वाला है, पूरा एज इट इज़ वैसे के वैसे ही है, बहुत ही मज़बूत है। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि इसमें नाम लिखा है, इसमें आपको लेबलिंग करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ऑलरेडी ही लिखा हुआ है। तो घर का कोई भी पर्सन आपका टी या कॉफ़ी बना सकता है, आपको बिना बोले या बिना बताए उसको सब कुछ मिल जाएगा ईजिली। तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं, ये 800 के अंदर ही आपको मिल जाएंगे अमेजोन में, तो आपका काम काफ़ी इजी हो जाएगा। नंबर 3, बात करते हैं कॉफ़ी पाउडर की। कॉफ़ी पाउडर कभी भी बहुत बड़ा पैकेट मत लीजिए, हमेशा छोटे सैशे ही ला के रखिए, जैसे 50 ग्राम या 100 ग्राम वाले, तो ये आपके ख़राब नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इनको आप एयर टाइट करके आप इस कॉफ़ी वाले डिब्बे में रखेंगी या फिर किसी अलग एयर टाइट कंटेनर में रखेंगी तो ये सालों साल कॉफ़ी आपकी चल जाएगी। पहले मैं भी बड़े बड़े पैकेट लेके आती थी, फिर मैं ऐसे ही खुला डाल देती थी कंटेनर में, तो भी वो बिल्कुल टाइट हो जाते थे, चाहे वो एयर टाइट कंटेनर ही क्यों ना हो, तो भी वो कॉफ़ी पाउडर बिल्कुल टाइट होके बिल्कुल पत्थर बन जाता था। लेकिन जब से मैंने ये ट्रिक अपनाई है, तब से मेरी कॉफ़ी कभी ख़राब नहीं होती है। नेक्स्ट, नंबर 4, यहाँ पे 2 कांच की मैंने छोटी छोटी सी शीशियाँ ले रखी हैं, जो कि मैंने सुपरमार्केट से ली थी, चिली फ्लेक्स की और पिज़्ज़ा मिक्स पाउडर की। तो ये दोनों शीशियाँ कांच की बहुत मज़बूत हैं, आप भी लीजिएगा तो इसको फेंकिएगा नहीं। इसके ऊपर आप कोई भी सेंधा नमक है, काला नमक है या फिर चिली फ्लेक्स फिल करके रख सकती हैं। नंबर 5, अक्सर लोगों के घरों में देखा है स्पाइस बॉक्स जो होता है मसालेदानी वाला, वो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है क्योंकि इसमें हल्दी धनिया सभी टाइप्स के मसाले होते हैं। तो अगर आप उसमें बॉक्स के नीचे अगर आप टिश्यू पेपर लगा के हमेशा उनके ऊपर ये मसाले रखेंगी तो आपका बॉक्स बिल्कुल गंदा नहीं होगा, नीट एंड क्लीन बना रहेगा और टिश्यू पेपर बीच बीच में चेंज करते रहेंगे तो बिल्कुल साफ़ रहेगा। नेक्स्ट, यहाँ पे बात करते हैं किचन टॉवल, हैंड टॉवल की और भी जो नैपकिन हम लोग यूज़ करते हैं किचन में। तो यहाँ पे मेरे पास एक पुरानी टॉवल थी, तो जिसको मैंने अच्छे से गर्म पानी से वॉश करके उसको छोटे से कटिंग करके हैंड टॉवल, किचन टॉवल और एक और एक्स्ट्रा टॉवल बना के रख ली है, जो कि किचन में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। आप मार्केट से परचेज भी करते हैं लेकिन वो बहुत जल्दी ख़राब होते हैं तो अक्सर उनको फेंकना पड़ता है। तो ये टॉवल आपकी बहुत अच्छी रहेगी, ज़्यादा लॉन्ग टाइम भी चलेगी और सॉफ्ट भी है। नेक्स्ट, यहाँ पे बात करते हैं जो हम लोग आटा परचेज करके लाते हैं, जैसे पतंजलि का आटा, आशीर्वाद का आटा, जो उनकी जो पॉलीथीन है, जो पॉली बैग होता है, उसको फेंका मत करिए। वो आप किचन की सिंक के नीचे वाली जो विंडो होती है उसके नीचे आप सजा के रख सकते हैं। वाइट वाइट बिल्कुल रहती हैं, बहुत ही खूबसूरत लगती हैं, उसके नीचे आप अपना सारा सामान रख सकते हैं। तो उससे क्या होता है, आपका जो सिंक के नीचे की जो विंडो होती है वो भी क्लीन, नीट एंड क्लीन बनी रहती है। और ये आटा तो हमेशा आते ही आता है, तो जब आपका चेंज ख़राब हो जाए तो उसको चेंज कर दीजिए, नया डाल दीजिए। नेक्स्ट, यहाँ पे अपना फेस वॉश हमेशा किचन में ही रखा करिए, क्योंकि रात में आप हमेशा फेस वॉश करके सोया करिए, दिन भर करें चाहे ना करें लेकिन रात में सोने से पहले फेस को वॉश ज़रूर किया करिए, इससे आपके फेस में नेचुरल शाइनिंग हमेशा रहेगी। तो फ्रेंड्स, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर भी करिए।